आइए, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में, देखिए और सीखिए नीटिंग चैनल में। मैं सब करेक्ट ट्यूनिशियन सिलाई लेकर आई हूँ, यानी अफगान सिलाई। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम चेन लेंगे, दो के गुने में आपको चेन लेना है, एक भी चेन एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम 20 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। 20 चेन बनाने के बाद ये जो 20 वाला धागा है इसे हम इस तरह से खींच लेंगे। अब इसके नेक्स्ट वाली चेन पे डालेंगे और यहाँ पे धागा खींचते हुए ऊपर लाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाली पे ऊपर लाएंगे। इसी तरह से करते हुए हर एक चेन पे डालते हुए हम यहाँ पे एक एक फंदे लेते हुए ऊपर तक जाएंगे। पूरी लाइन इस तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। पूरी लाइन सेम बनेगी, इस तरह से पूरी लाइन हमें कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 4 प्लाई ऊन ले रही हूँ और क्रोशिया नंबर मैंने यहाँ पे 12 यूज़ किया हुआ है। आप यहाँ पे ट्यूनिशियन सिलाई भी, यानी कि जो क्रोशिया है वो यूज़ कर सकती है। अब देखिए किस तरह से ये बनेगी। पहली वाली हम फंदे को एक निकालेंगे इस तरह से, उसके बाद ये और ये फंदा इस तरह से निकालेंगे। अब इस तरह से करते हैं, अब दो फंदे निकालेंगे, उसके बाद दो फंदे निकालेंगे, ये फंदा और एक एक्स्ट्रा फंदा और लेंगे और इन दो को एक साथ निकालेंगे। फिर ये वाला फंदा और ये वाला फंदा निकालेंगे, यानी दो दो फंदे करते हुए पूरी लाइन आपको कंप्लीट करनी है। इस तरह से फंदे निकालना है आपको दो दो करते हुए। अंत में भी आपके दो फंदे बचेंगे, तो इन दोनों को भी इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। 4 चेन बनाया हमने। 4 चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे डिज़ाइन देखिए चेन का, इसे स्किप करेंगे, इसे भी स्किप करेंगे। जो थर्ड वाली चेन दिख रही है आपको, यहाँ पर हमें बनाना है। फिर से ध्यान दीजिए, एक छोड़ेंगे, ये दूसरा भी छोड़ देंगे, तीसरी वाली चेन पर डालेंगे हम इस तरह से। यहाँ चेन के बीच में डालना है, देखिए चेन के बीच में गैप दिख रही है आपकी, इसके अंदर क्रोशिया डालना है आपको और यहाँ से फंदे निकालते हुए लाना, एक, फिर इसी जगह पे डालेंगे ये दो, फिर से क्रोशिया पे धागा लेंगे और यहाँ पे निकालेंगे 3। इसकी बगल वाली चेन फिर से दिख रही है यहाँ पे, इसके अंदर डालते हुए हमें फंदे निकालने हैं। तो एक बार फंदे निकाला हमने, फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे, ये दूसरी बार फंदे निकाला हमने, फिर से क्रोशिया पे धागा लेंगे और ये तीसरी बार, यानी 3 बार फंदे निकालने हैं। अब जितने भी फंदे दिख रहे हैं सभी को एक साथ बंद करेंगे हम इस तरह से। बंद करने के बाद यहाँ पे एक चेन लेंगे, फिर से एक चेन लेंगे, यानी बंद करते हुए दो चेन लेना है हमें। फिर से नेक्स्ट हम इसी तरह से करेंगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट हमें देखिए क्या करना है। अब ये वाली जो डिज़ाइन दिख रही है, चेन जो दिख रही है, इस चेन को हम छोड़ देंगे। हम ये वाली चेन छोड़ देनी है, उसके अगले वाली जो चेन है यहाँ पर इस तरह से फंदे निकालेंगे। एक बार फंदा निकाला, फिर क्रोशिया पर धागा लेंगे, फिर से यहाँ डालेंगे, दो बार हो गया, फिर से क्रोशिया पर धागा लेंगे और फिर इसी जगह पर डालेंगे। तो टोटल हमें 3 बार फंदे निकालने हैं। फिर से नेक्स्ट वाली जो गैप आएगी, यानी चेन, इस पर डालेंगे, एक बार निकाला, फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे, ये दूसरी बार हो गई और ये तीसरी बार। अब इन फंदों को निकालेंगे, जो हमने फंदे निकाले हैं ये फंदे को निकालेंगे सिर्फ। हम इस तरह से हमने बंद किया। अब यहाँ से बंद करते हुए दो चेन लेंगे, एक चेन लिया और ये दो चेन। फिर से अब देखिए ये जो चेन आ गई है, जब ये डिज़ाइन बना लेंगे पफ डिज़ाइन, तो उसके बाद जो चेन आएगी इसमें नहीं बनाना है, इसे छोड़ देना है, उसके अगली वाली में बनाएंगे। तो क्रोशिया पे धागा नहीं लेंगे, सिर्फ हम इस तरह से डालेंगे, ये वाली चेन छोड़ देंगे, अगली वाली में डालना है। इस तरह से फंदे निकाला, एक हो गया, अब क्रोशिया पे धागा लेंगे, ये दूसरी बार हो गई, फिर से क्रोशिया पे धागा लेंगे और ये तीसरी बार हो गई। 3 बार हमें इस तरह से निकालना है। फिर इसके नेक्स्ट वाली चेन पर डालेंगे, जब ये पफ बनाएंगे तो लगातार फर्स्ट और सेकंड वाले फंदे पे हम निकालते हुए डालते हुए इसमें बनाएंगे। तो एक बार बनाया हमने, क्रोशिया पे धागा लेंगे, ये दूसरी बार बनाया हमने, फिर से क्रोशिया पे धागा लेंगे और ये तीसरी बार बनाया हमने। सारे फंदे एक साथ निकालेंगे, फंदे को बंद करते हुए हम चेन लेंगे, एक और ये दो। पूरी लाइन अब आपको इसी तरह से बनाना है। ये वाली चेन छोड़ देंगे अब हम, उसके नेक्स्ट वाली पर बनाएंगे इसमें और इसमें बनाएंगे पफ, ये वाले छोड़ देंगे। तो चलिए इसी तरह से कर लेती हूँ। इस तरह से हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आपके 1 2 3 4 बचेंगे आपके, तो ये वाला छोड़ देंगे हम, इसके यहाँ पे डालेंगे हम, यहाँ पे फंदे निकालेंगे, एक, फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे, ये दो,
और ये क्रोशे पे धागा लेंगे तीन। अब इस तरह की, अब इसके नेक्स्ट वाली चेन पे डालेंगे, यहाँ पे इसके बीच में डालना है ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से निकालेंगे एक, फिर क्रोशे पे धागा लेंगे, ये दूसरी बार फंदा निकाला हमने, फिर क्रोशे पे धागा लेंगे और ये तीसरी बार फंदा निकाला हमने। अब इन सभी को बंद करेंगे इस तरह से। अब बंद करते हैं, यहाँ पे दो चेन लेंगे, एक और ये दो। अब लास्ट में आपकी एक चेन दिखाई देगी, इसमें डालते हुए हम चार चेन बनाएंगे जैसे हमने शुरुआत में बनाया हुआ था। तो यहाँ पे डालना है आपको, इस तरह से निकालेंगे एक चेन, ये दूसरी चेन, तीसरी चेन, ये चौथी चेन। अब यहाँ पे इस तरह से बंद करना है। तो किस तरह करेंगे, चौथी चेन बनाए हमने, पाँचवीं चेन बनाते हुए इस फंदे से इस डिज़ाइन में निकालेंगे, यानी पफ से निकाल देंगे। अब यहाँ से फिर से हम चेन बनाएंगे, एक दो तीन सॉरी और ये चार, चार चेन बनाते हुए इस फंदे से निकाल लेंगे इस तरह से। फिर से बनाएंगे, एक एक दो तीन और ये चार, चार चेन बनाते हुए हम यहाँ से इस तरह से निकाल देंगे फंदे में। देखिए फिर से चेन लेंगे, एक दो तीन और ये चार चेन बनाते हुए यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे हम इसे। फिर से लेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक दो तीन और ये चार, चौथा चेन बनाते हुए यहाँ से हम निकाल लेंगे इस पफ के पास जो चेन बनी है इसमें। फिर से बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार, इस तरह से यहाँ पे निकाल लेंगे। अब जो लास्ट में चेन बचेगी, यहाँ पे हमें दो ही चेन बनाना है, एक और ये दो, दूसरा बनाते हुए इसे इस तरह से निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह से पैटर्न आएगी। अब नेक्स्ट किस तरह से बनाना है वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार। अब आपको क्रोशे पे धागा इस तरह से लेके नहीं बनाना, जब चार चेन बना लेंगे तो सिर्फ यहाँ पे क्रोशे डालेंगे और यहाँ से फंदे निकालेंगे। तो एक हो गया, ये क्रोशे पे धागा लेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे, ये दूसरा फंदा निकाला हमने। अब क्रोशे पे धागा लेंगे और यहाँ से फंदे निकालेंगे, ये तीसरा फंदा हो गया। अब नेक्स्ट वाली जो गैप है यहाँ से निकालेंगे, फंदा नहीं लेना है, यहाँ से डालेंगे एक, अब क्रोशे पे धागा लेंगे दो, अब क्रोशे पे धागा लेंगे और ये तीन। इस तरह से करते ये वाले फंदे छोड़ देंगे और बाकी के फंदे हम निकाल लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे दो चेन लेंगे, एक और ये दो। अब इसी जगह पे फिर से एक पफ बनाएंगे, यहाँ पफ बनाना और यहाँ पफ बनाना है। एक बार निकाला हमने, क्रोशे पे धागा लेंगे, ये दूसरी बार, फिर से क्रोशे पे धागा लेंगे, ये तीसरी बार। अब यहाँ पे डालेंगे, एक बार निकाला, क्रोशे पे धागा लेंगे, ये दूसरी बार, फिर से क्रोशे पे धागा लेंगे और ये तीसरी बार। अब यहाँ फंदे को बंद करेंगे, ये दो फंदे को छोड़ते हुए जितने भी फंदे हमारे पास हैं इन फंदों को बंद करेंगे जो हमने अभी निकाला है। इस तरह से लेंगे, इसे बंद करते हुए दो चेन लेंगे, एक और ये दो। इसी तरह से करते हुए हम डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। एक पफ यहाँ बनाएंगे और एक पफ यहाँ बनाएंगे, दोनों को फंदों आपस में जोड़ते हुए जैसे हमने यहाँ पे घटाया, घटाते हुए दो चेन लेंगे। तो इसी तरह से करते हुए हम करेंगे। चलिए फिर दिखाती हूँ आगे आपको। इस तरह से करते हुए हमने डिज़ाइन बनाया। अब देखिए यहाँ पे एक पफ बनाएंगे और एक पफ आपको इस चेन के बगल में यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे पफ बनाना आपको। तो इस तरह से यहाँ आप लेंगे, एक बार हो गया, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। अब यहाँ पे लेंगे, एक बार फंदा निकाला हमने, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। सारे फंदों को एक साथ बंद करेंगे हम यहाँ पे, इस तरह से बंद कर लेंगे। चेन बनाएंगे, एक और ये दो। अब जो लास्ट में हमारी चेन आई है, यहाँ पे जो चेन दिख रही है, अब इस चेन में यहाँ पे डालेंगे हम और यहाँ से हम चार चेन बनाएंगे लास्ट में। देखिए एक बनाया, ये दो बनाया, तीन और ये चार। इस तरह से करते हुए हमें बनाना है। तो इसी तरह से करते हुए यही दो लाइनों को बार बार हमें रिपीट करते हुए जाना है। और जो चाहे इस डिज़ाइन से आप बना सकती हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा सा येलो कलर में भी यहाँ पे बना के रखा हुआ है, येलो कलर में, तो ये भी खूबसूरत लग रही है डिज़ाइन देखने में। उसके बाद यहाँ से हम चार चेन बनाएंगे, जैसे हमने चार चेन बनाए, पाँचवें चेन से हम यहाँ पे निकालेंगे, फिर चार चेन बनाएंगे, चौथी चेन से यहाँ से निकालेंगे, फिर तीन चेन बनाएंगे, चौथी चेन से यहाँ से निकाल देंगे। इसी तरह से करते हुए हम बना लेंगे। दो ही लाइन की डिज़ाइन है ये।
तो चलिए बनाइए। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।